तो पार्ट वन पार्ट टू में हमने देखा शेपर्ड क्लोई को दुश्मनों से बचाता है और अपनी दोस्ती निभाता है। अब वो दोनों खुले में आराम फरमा रहे थे कि तभी तीन प्यूमा उन पर हमला करते हैं। जर्मन शेपर्ड क्लोई को बचाने खुद आगे आता है और उससे वहाँ से भागने को बोलता है। क्लोई उसके नीचे आकर बिना अपना वजन देखे बोलता है, मैं भी इन्हें मारना पसंद करूंगा। तभी वो देखते हैं दूर से आंधी और रेत का तूफान आ रहा है, पर असल में वो छोटे कुत्तों की सेना रेत की रखवाली के राजा थे और ये उनका एरिया होता है। वो सभी आंखों में अंगारे लिए थे और तीनों प्यूमा से बोलते हैं, अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो यही धरती फाड़ के तुम्हें उसमें समा देंगे। प्यूमा इससे डर कर भाग जाते हैं और वो अब उनके साथ एक बड़े से महल में जाते हैं जो कि उन सभी कुत्तों का मालिकाना घर होता है। पर वो दोनों वहां रुकते नहीं और वापस आते हैं जहां शेपर्ड का मिसिंग पोस्टर उन्हें दिखता है। पुलिस को देखकर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले क्लोई जालिम कुत्ते को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन एक और बार जालिम कुत्ता उसे बचकर उल्टा उसे ही ले जाता है।